नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदांत यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर मनोज विप्लव आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस वीडियो का विषय है शहतूत खाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभ व फायदे। हमारे इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह करूंगा, कृपया शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कीजिए जिससे हमारे आगामी वीडियो आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। दोस्तों, शहतूत खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उससे कहीं अधिक सेहत के लिए फायदेमंद होता है। शहतूत पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें मुख्यतः लोहा, विटामिन सी, विटामिन के, पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम इत्यादि शामिल होते हैं। साथ ही साथ शहतूत में फाइबर और कार्बनिक यौगिक मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। शहतूत में आहार फाइबर होता है। आहार फाइबर पाचन स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है, जिससे पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन की गति बढ़ती है, जिससे कब्ज, ब्लोटिंग और ऐंठन की समस्या भी कम होने लगती है। इसके अलावा फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियमित करने में मदद कर सकता है और अगर इसका नियमित रूप से सेवन किया जाए तो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। शहतूत खाने से पाचन शक्ति अच्छी होती है। यह सर्दी जुकाम में भी फायदेमंद है। यूरिन से जुड़ी समस्याओं में शहतूत बेहद फायदेमंद साबित होता है। शहतूत खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और ये बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी जल्दी आने से रोकता है। गर्मियों में शहतूत के सेवन से लू लगने का खतरा भी कम हो जाता है। शहतूत खाने से लीवर से जुड़ी बीमारियों में भी राहत मिलती है, साथ ही साथ ये किडनी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा शहतूत के पत्तों को घाव या फोड़े पर लगाने में तुरंत आराम मिलता है। इसके प्रयोग से घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। अगर आपको खुजली की दिक्कत है तो इसके पत्तों को लेप के रूप में इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी फायदा मिलता है। शहतूत की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से गरारे करने से गले की खराश और गलटुंटी शोथ में बहुत फायदा मिलता है। हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है शहतूत। विटामिन के, कैल्शियम और लोहा, साथ ही साथ शहतूत में पाए जाने वाले फास्फोरस और मैग्नीशियम हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। मधुमेह या शुगर के रोगियों के लिए बहुत फायदेकर है शहतूत। शहतूत इंसुलिन प्रतिरोध को कम करते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज में डिले हो सकता है। अगर आप टाइप 2 मधुमेह होने की संभावना से ग्रस्त हैं तो शहतूत का रस या चाय आपकी मदद कर सकती है। यदि आप पहले से ही टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित हैं तो शहतूत तब भी आपकी मदद करेगा। इसका रस प्लाज्मा ग्लूकोज में वृद्धि या भोजन के बाद रक्त शर्करा को रोकता है। इससे मधुमेह की प्रगति कम होने की संभावना होती है। शहतूत में भूख को दबाने या भूख को कम करने के प्रभाव भी होते हैं। यह निश्चित रूप से हमारे वजन घटाने में बहुत मददगार हो सकते हैं। शहतूत बालों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है। यह बालों को मजबूत बनाता है, बालों के विकास को बढ़ावा देता है, बालों को झड़ने से रोकता है। विशेषकर कैंसर के रोगियों के लिए जो कीमोथेरेपी से गुजर चुके हैं उनके लिए शहतूत के फल का अर्क बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। शहतूत हमारी त्वचा के लिए भी बहुत कारगर साबित होता है। शहतूत में विटामिन ए और ई उच्च स्तर के पाए जाते हैं। साथ में लोटीन, बीटा कैरोटीन, जा एक्सेथिन और अल्फा कैरोटीन जैसे कैरोटेनॉइड घटक भी पाए जाते हैं। ये सभी तत्व एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो विशेष रूप से त्वचा, उत्तक, बाल व अन्य क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। शहतूत त्वचा को स्मूथ रखने में हमारी बहुत मदद करता है। काले दाग, धब्बों, उम्र के धब्बों और झुर्रियों से भी हमारी त्वचा की रक्षा करता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता को और अधिक मजबूत करता है शहतूत।
शहतूत में मौजूद विटामिन सी किसी भी बीमारी या बाहरी तत्वों के खिलाफ एक शक्तिशाली सशक्त रक्षात्मक हथियार के रूप में कार्य करता है। शहतूत की एक मात्रा एक दिन की विटामिन सी की लगभग सभी आवश्यकताओं को पूरी कर देती है। इसके फल में मौजूद खनिजों और विटामिनों के साथ यह बीमारी के खिलाफ आपकी रक्षा करता है। शहतूत से संबंधित जानकारी का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह करूंगा कृपया शीघ्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आगामी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय भारत, जय आयुर्वेद।